बीजेमए जब से बैन हुआ है तब से बीजेमए के अंदर अपनों को 2.2 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। एंड जो अपना M15 वाला रॉयल पास है वो भी अपनों को देखने के लिए नहीं मिला है। एंड गाइस अपनों को बीजेमए बैन होने के बाद भी यूसी परचेज करने के लिए ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। एंड अपनों को यूसी सिर्फ और रूटर ऐप के ऊपर ही देखने के लिए मिल रहा था, बट रूटर ऐप के ऊपर भाई अब जो अपना यूसी है वो हटा दिया गया है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई, अपने जैसे ही रूटर ऐप के अंदर आते हैं ऊपर कॉइन्स के ऊपर क्लिक करके रिवॉर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर भाई प्योर जो बीजेएमआई का ऑप्शन था वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। क्योंकि भाई बहुत सारे बंदे भाई रूटर ऐप से भाई प्रॉपर 60-60 यूसी परचेज कर रहे थे, बट और बहुत सारे यूट्यूबरों ने भी भाई इसका प्रमोशन किया था भी आप यहां से यूसी ले सकते हो, लेकिन यहां पर भाई रूटर ऐप के अंदर से बीजेएमआई का जो ऑप्शन था वो पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया। इसके विषय के ऊपर भाई मैंने ना रूटर ऐप से बात भी की थी तो भाई इन्होंने मुझे रिप्लाई के अंदर यही चीज़ बताई थी भाई क्राफ्टन का भाई नोटिस गया था इनके पास कि भाई ये लोग है ना बीजेएमआई का जो यूसी वाला ऑप्शन है वो रिमूव कर दे। तो अब ऐसा क्राफ्टन क्यों कर रहा है, तो भाई इसका मतलब है ना प्रॉपर एक ही है कि भाई जो बीजेएमआई है वो अपनी पुरानी एपीके को भाई अब बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा है एंड वो सोच रहा है कि वो अपनी वापस से न्यू एपीके लॉन्च करे जिसके लिए वो भाई शायद जियो गेम्स को अपना पब्लिशर बनाएगा। क्योंकि भाई अभी तक जो बीजेएमआई था उसको 69A एक्ट के तहत भाई प्रॉपर इंडिया के अंदर ब्लॉक कर दिया गया था, जैसे टिकटॉक और फ्री फायर को किया था। तो भाई इन वाली ऐपों का ना भाई वापस से आना तो भाई थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसीलिए भाई क्राफ्टन है ना प्रॉपर अपना बीजेएमआई के लिए न्यू एपीके बना रहा है और भाई उसको दिसंबर तक या दिसंबर के बाद रिलॉन्च कर देगा। एंड गाइस अगर इंडिया के अंदर बीजेएमआई न्यू एपीके के साथ आएगा तो भाई उसके अंदर है ना अपनों को फर्स्ट लेवल से आईडी वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी, अपनों को जो अपनी पुरानी वाली आईडी है वो अपनों को शायद ही मिले। अब अपने बात कर लेते हैं भाई जिन जिन बंदों के फोन में से बीजेएमआई डिलीट हो चुकी है या जिन बंदों ने न्यू एंड्रॉयड फोन लिया है तो भाई वो लोग बीजेएमआई को वापस से डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे कमेंट इस विषय के ऊपर आए थे कि भाई उनकी जो बीजेएमआई है उनको वापस से डाउनलोड करें उसके अंदर भाई प्रॉपर बैन नहीं लगेगा। सबसे पहले अपने गूगल के ऊपर आते हैं, गूगल के ऊपर आने के बाद भाई अपनों को लिखना है टैप टैप एपीके, ये एक प्ले स्टोर की तरह भाई ऐप है तो भाई इसको भाई डाउनलोड टैप टैप के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपने इसको कर लेते हैं डाउनलोड, तो भाई ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ 56 MB का ही है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा इसको भाई अपने यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद इसको अपने डायरेक्ट कर देते हैं ओपन। तो भाई ये प्रॉपर सेफ ऐप है, बट भाई ये आपको ना प्ले स्टोर के ऊपर नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि भाई इसके अंदर अपनों को सारी ऐपें देखने के लिए मिलने वाली है। जैसा कि भाई अपने ऊपर भी आप देखो ये ना पूरा काम करता है भाई प्ले स्टोर की तरह काम करती है, ये भाई टैप टैप एपीके है। इसके अंदर जैसे ही आओगे यहाँ पर भाई आप लिख देना बीजेएमआई, आपको भाई बिल्कुल टॉप के ऊपर अपनों को बीजेएमआई देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई वैसे मेरे फ़ोन में तो डाउनलोड हो ही पड़ी है इसलिए मेरे को यहाँ पर प्ले का ऑप्शन आ रहा है। एंड गाइस अगर आपको पबजी भी डाउनलोड करनी है तो भाई आपको ना यहाँ पर है ना पबजी के सारे वर्जन मिल जाएंगे, जितने भी पबजी के वर्जन बने हुए हैं जैसे कि पबजी मोबाइल KR, पबजी मोबाइल लाइट ग्लोबल, पबजी मोबाइल अपनी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, पबजी मोबाइल वियतनाम वर्जन, पबजी मोबाइल चाइनीज़ वर्जन, पबजी मोबाइल टेस्ट ग्लोबल। तो भाई ये बहुत सारे पबजी के जो वर्जन बने हुए हैं आप है ना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर आप यहाँ से पबजी मोबाइल डाउनलोड करोगे तो भाई आपको ना VPN लगाना पड़ेगा तभी वो गेम चलेगी। अगर आपको बिना VPN के खेलना है तो आप सिंगापुर का VPN लगा लेना, सिंगापुर का VPN लगाने के बाद गूगल के ऊपर सर्च करना पबजी मोबाइल, वहाँ पर आपको पबजी मोबाइल की ऑफिशियल APK मिलेगी वो भी पबजी मोबाइल की वेबसाइट के ऊपर। अब वहाँ से पबजी मोबाइल को डाउनलोड कर लेना एंड फिर आप अपना जो VPN है उसको डिलीट कर देना और आपका पबजी मोबाइल बहुत ही इजी तरीके से बिना VPN के चलने लगेगा। अगर इसके ऊपर डिटेल के ऊपर वीडियो चाहिए तो भाई वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या उसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।